यूपी की योगी सरकार ने पिछड़ी जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अगले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार करते हुए योगी सरकार ने निषाद, मल्लाह और राजभर समेत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सकती है। सरकार का यह फैसला पिछड़ी जातियों को लुभाने के तौर पर देखा जा रहा है, जो अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बैंक मजबूत करेगा। इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद नई नहीं है। बीते 2 दशक में सपा और बसपा की सरकारों ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। अखिलेश यादव ने अपनी कोशिश में पूरा जोर लगाया था, लेकिन मामला अदालत पहुंच कर रुक गया। अब योगी के इस फैसले से बीजेपी निषाद और राजभर वोट बैंक को भी अपने पाले में कर पाई। इस तरह योगी सरकार ने बागी ओम प्रकाश राजभर पर तो चोट की ही है, इसके साथ ही SC ST को अपना वोट बैंक मानने वाली मायावती को भी झटका दे दिया है। देखते हैं जातीय गणित में सेंधमारी वाला बीजेपी का ये दांव यूपी की सियासत में कौन से नए गुल खिलाता है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।